वाहेगुरु जी की फतेह। अज दिन की शुरुआत असी कर रहे हैं कानपुर तो आप जी लैके जाने वास्ते इलाहाबाद। इलाहाबाद वो धरती है जिदा महत्व सिख इतिहास वास्ते जिन्ना है उन्ना ही उदा महत्व हिंदू वीर वास्ते भी हैगा। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के अलावा दो होर पातशाहियां दी चरण छोह प्राप्त जिदे आप जी अज असी दर्शन करावांगे वो हैगे गुरद्वारा साहेब श्री पक्की संगत, जिथे गुरु नानक देव जी पहले आते हैं अपनी उदासी वेले जिहड़ी उन्होंने पहली उदासी की सी। उपरांत धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी असाम की यात्रा करते वक्त इस स्थान पर आके ठहरते हैं ते दशम पिता धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपनी बाल अवस्था के उन्होंने भी चरण इत्थे पै ऐसा इतिहास दसदा हैगा। यह स्थान कानपुर तो तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर है तो दिल्ली तो इतने पुजन वास्ते आप जी 720 किलोमीटर का सफ़र तय करना पैंदा है। लोकल एयरपोर्ट भी इतने हैगा जिहड़ा कि 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इलाहाबाद का नवीन नाम प्रयागराज है। इत्थे 3 नदियों का संगम है जिहड़ा कि हिंदू वीर वास्ते बहुत ही महत्वपूर्ण है ते कुंभ का मेला भी ऐसी स्थान पर लग्या करता है। इस स्थान के उत्ते गंगा ते जमुना दोनों का मिलन होंदा है ते थले गुप्त रूप नाल सरस्वती भी इस स्थान के उत्ते आके मिलती है ते इस स्थान के उत्ते 3 पवित्र नदियों का संगम है। इस करके इनू प्रयागराज या त्रिवेणी भी आख्या जाता है। इस तो पहले कि असी अपनी यात्रा शुरू करिए असी सारे दर्शकों का जिहड़े कि साड़ी स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ द टर्बन ट्रैवलर यात्रा धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी साढ़े यूट्यूब चैनल द टर्बन ट्रैवलर से वेखते हैं उन्हों सारे का बहुत बहुत दिलों स्वागत ते जी आया नू। जो आजाद परिंदे ने ओ रूहा किथे लभदियां ब्यानो पार वरी राए ओ सिफता सच्चे रब दियां। जो आजाद परिंदे ने ओ रूहा किथे लभदियां ब्यानो पार वरी राए ओ सिफता सच्चे रब दियां। उजले पर शकिए उजले पर शकिए दी ये अमृत दासा। हुण असी प्रयागराज पहुंच चुके हैं जिहड़ा पुराना नाम इलाहाबाद सीगा। इत्थे तुसी देख सकते हो राइट साइड नूं गंगा नदी जिहड़ी हैगी ब्रिज दे थलों जा रही हैगी। प्रयागराज 3 नदियां का संगम होंदा है गंगा जमुना ते उहदे अंडर हैगी सरस्वती। इत्थों अगे जाके फिर यह बन जाती है गंगा। सो इहदा बड़ा इतिहासिक महत्व है। इत्थे कुंभ का मेला भी लगता है। गुरुद्वारा इत्थों तकरीबन 11 किलोमीटर होर दूर है आधा घंटा होर लगेगा। असी हुण पहुँच चुके हैगे आ गुरद्वारा पक्की संगत इलाहाबाद जिहदा कि अजकल नाम प्रयागराज है। यह गुरद्वारा इतिहासिक है। अंदर जाके असी पूरी पुछ पड़ताल करांगे ते पता करांगे इस गुरद्वारे का इतिहासिक। तो सानू यह पता लग्या है कि यह गुरद्वारा जिहड़ा है उहदी देख रेख उदासी डेरा कर रहा है उहदे बारे च भी असी पुछांगे। अंदर जाके वेखने आ गुरद्वारा ते गुरद्वारे दे लोकां नूं जिहड़े इत्थे प्रबंधक ने उहनां नूं मिलने आ। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।
ਪਿਆਰ ਜਸ ਕਿਰ ਪਾਰ ਦਗਾਇਓ ਤਾਕੋ ਪਿਓ ਸਹਾਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਰੋ ਸੇ ਗਹੀਆਨ ਸਰਨਾਈ ਗਹੀਆਨ ਸਰਨਾਈ ਸਿਮਰ ਹਜਾਂ ਮਲ ਉਧਰਿਓ ਗਨ ਕਾਹੂ ਗਤ ਪਾਈ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਕੀ ਸੰਗਤ। ਪੱਕੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪੱਕੀ ਸੰਗਤ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ। ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਧਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਸਵਾਰ, ਸਾਧੂ, ਸੰਤ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਿੱਖੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਵਤਰਨ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦਿਖਾਈਏ। ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ ਤਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਵਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੰਖ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਕੀ ਦੇ ਪਾਏ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 3 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਥਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇੱਥੇ ਪਰੋਕਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਕਤ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ੰਖ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਹਨ, ਐਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਐਨਰਜੀ
मैं चंगी तरह फील कर सकना। इत्थे वो बाबा जी का तप स्थान भी है, गुरु तेग बहादुर साहब का वो थड़ा भी है जिदे उत्ते पालकी साहब रखी हुई है, ते गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश भी होया गया है। राम भज जन्म सिरात है, राम भज जन्म सिरात है, राम भज जन्म सिरात है, राम भज जन्म सिरात है। कह कहा बार बार समझत ना क्यों गवार, बार बार समझतना क्यों। इस पावन ते पवित्र स्थान ते मेरे पिता साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बड़े ही सुंदर वचन उचारे सी, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सनेव और बह नहीं जाके, कंचन माटी माने। अर्थात जेड़ा इंसान दुखा नू दुख नहीं समझता, जिनू ना सुखा दा मोह ते ना दुखा दा पै होए, जिदे लई सोना ते मिट्टी एक समान हो, सिर्फ ओही शख्स या ओही इंसान परमात्मा दी प्राप्ति कर सकता है। कल भरम डार दे गोविंद का नाम ले, अंत वार संत तेरे यह एक जात है, अंत वार संत। धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी, नौवें गुरु गुरु नानक देव महाराज जी की गद्दी के वारस, आनंदपुर साहब तो चल करके प्रयागराज तीर्थ ते पहुँचे सन। साहब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने संगतां दे समेत उस समय बलवा घाट चराहा घाट पैंदा सी, उस घाट दे उत्ते साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं पहुँचे। सारियां संगतां दे नाल मिल करके गुरु साहब जी ने सब तो पहला इशनान किया, नाल उस तो उपरंत सारियां संगतां ने इशनान किया। तो उस समय संगतां ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं बेनती की थी ते गुरु साहब जी आप जी कृपा करके इस प्रयागराज की धरती से आप जी कुछ दिन ठहर करके सानू सत उपदेश दिओ। गुरु साहब जी ने संगतां की बेनती मानते हुए कहिंदे महाराज जी भी अहीं एकांत जगह दे विच रहना है, तो इस करके सानू कोई एकांत जगह चाहिए है जिथे साडियां सिख संगतां ठहर सकन। तो इस करके गुरु साहब जी ने उस समय संगतां की बेनती मानते हुए जिस स्थान पर अज आप बैठे हाँ, ये वो महान तप स्थैली है, तप स्थान है, जिस जगह पर गुरु साहब जी ने एक गरीब परिवार खत्री परिवार से उन्होंने अपने ग्रह विखे लिया करके गुरु साहब जी ने पूरा ग्रह सौंप दिता, और इस ग्रह के गुरु साहब जी ने रह करके 6 महीने तप किया। रह गुरु खटमस्ते निज महला वरदीन दे महावाक अनुसार, उस तो उपरंत जिहड़ी गुरु साहब जी दे कोल पोथी सी, पोथी परमेश्वर का थान, उस पोथी का पहला खंड पाठ 25 सिंह ला करके गुरु साहब जी ने इस ही स्थान पर कराया जिस स्थान पर अज आप बैठे हाँ। उस काल पुरख के चरणों में बेनती की, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तद माता के गर्भ में आए। उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी का अपना बचना है, मुरपित पुरब की अस प्याना, भांत भांत के तीर्थ नहाना, जब ही जात तरबेनी पै, पुन दान दिन करत पतै, तही प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर विखे भव लयो। दे महावाक अनुसार गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अपने विचित्र नाटक के दसते हैं, गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने जदों माता जी ने आशीर्वाद दिता उस समय असीं तरबेनी प्रयागराज विखे माता के गर्भ में गुरु गोबिंद सिंह जी आए, तो उन्होंने अवतार पटना साहब विखे जाके धारण किया। ये जो पवित्र अस्थान तप स्थान है, इत्थे गुरु साहब जी ने 6 महीने तप किया। दूसरा है गुरु साहब जी ने गंगा जी का प्रवेश करवाया। तीसरा इतिहास है गुरु साहब जी ने पहला खंड पाठ सिख जगत के जिहड़ा पहला खंड पाठ होया 25 सिंह लगा करके इत्थे ही किया। उस तो उपरंत गुरु गोबिंद सिंह जी का माता के गर्भ के इत्थे ही आना होया। इस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का अवतार पटना साहब विखे होया। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। राम सिमर, राम सिमर है तेरे काज है, राम सिमर, राम सिमर है तेरे काज है। सोनिहार,
संग त्याग। गुरुद्वारा श्री पक्की संगत साहिब प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के दर्शन करने तो उपरांत हूँ असी चाले पा रहे हैं अगले स्थान के वल। तो अगला स्थान होएगा मिर्ज़ापुर, जिदे विच धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक होर इतिहासिक स्थान होएगा। आओ तुसी भी साढ़े नाल चलो तो जाणो उत्थे दा इतिहास, तो करो उत्थे दे दर्शन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस दी सिफत इलाही है ओ नवी पातशाही है, जेड़ा हिंद दी चादर है ओ मेरा तेग बहादुर है। गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु श्री वाहे।